मामलों को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह से सतर्क है। इसी के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में सभी डीसी एसपी और सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन सभी को सावधान रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने सैंपलिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने और एडवाइजरी जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि शादी समारोह रात की बजाय दिन में किए जाए और नवरात्रों के दौरान किए जाने वाले कार्यक्रम भी दिन में हो। उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिलहाल समुचित मात्रा में बेड उपलब्ध हैं। बैठक में बताया गया कि अब शादी समारोह में आउटडोर में 200 और इंडोर में 50 लोगों की अनुमति होगी और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कोरोना के चलते किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। वहीं मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद केंद्र बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि 48 घंटे में गेहूं का उठान ना होने पर उपायुक्त की जिम्मेदारी होगी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।